Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exercise 1.2 or question number 1. Question number 1 mein hai, the real value function f and g are defined below. Theek hai? Hame f function aur g function given hai aur humne find kya karna hai? Ek to humne find karna hai f of g of x find karna hai aur b part hai g of f of x find करना है और c part में f of x find करना है और d part में g of x find करना है. सही है, हमें f function और g function given है. ठीक है, तो इसका पहला part करते हैं हम. f of x given है पहले part में, f of x is equal to 2x plus 1. सही है, तो g of x भी हमें given है, g of x function जो है वो equal है 3 over x minus 1 के. अच्छा, अब यहाँ से f of g of x, a part इसमें करते हैं, f of g of x किसके equal होता है, f of g of x को इस तरह से भी लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब कि f function है जिसमें input जो है वो g of x है. सही है, तो f of g of x, अब f of x के अंदर हम इनपुट देंगे ये वाला फंक्शन, g of x का फंक्शन. ठीक है, तो ये बन जाएगा, मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ g of x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो वो बन जाएगा 2 into 3 over x minus 1 plus 1. ठीक है, ये f of x is equal to 2x plus 1 था, 2 into x plus 1, x की जगह क्या आ चुका है, g of x, g of x की वैल्यू है 3 over x minus 1. ठीक है, तो ये आ गया f of g of x की वैल्यू. सही है, इसको हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, तो ये बनेगा 6 over x minus 1 plus 1. ठीक है, तो अब इसको मजीद हम सिंपलीफाई करते हैं, इसका LCM ले लेते हैं, तो ये LCM आएगा इसका x minus 1 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 6 plus x minus 1, तो ये बन जाएगा 5 plus x या x plus 5 divided by x minus 1. तो ये इसकी वैल्यू बन जाती है f of g of x की वैल्यू. ठीक है, क्योंकि पार्ट ए है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का. तो पार्ट बी में हमने क्या फाइंड करना है, पार्ट बी में हमें कहा गया g of f of x फाइंड करना. ठीक है, g of f of x, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं g of f of x. ठीक है, इसका मतलब ये है कि g फंक्शन में इनपुट जो है वो f of x की है. ठीक है, मतलब कि हम g फंक्शन में f of x को पुट करेंगे एज ए इनपुट. ठीक है, तो g of x हमें गिवन है, g of x भी गिवन है, f of x भी गिवन है, वही वाले फंक्शन हम यूज करेंगे. ठीक है, पार्ट वन हम कंटिन्यू करते हैं, जिसके हैं पार्ट टू को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं. तो ये बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बन जाएगी 3 ओवर 2x प्लस 1 माइनस 1. ठीक है, हमें एफ ऑफ एक्स क्या गिवन था, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और g of x हमें गिवन था इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1. ठीक है, हमने g of x में इनपुट करना है f of x को, मतलब कि g of x की जगह क्या, g के अंदर जो x इनपुट है उसकी जगह क्या आ जाएगा, f of x की वैल्यू. ठीक है, मतलब कि 2x प्लस 1. सही है, तो 2x प्लस 1, ये हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, g of 2x प्लस 1. सही है, तो हमने मतलब कि जहाँ जहाँ x g of x में x है वहाँ वहाँ हम 2x plus 1 पुट कर देंगे. तो यहाँ पर 3 over x minus 1 था, 3 over x की जगह 2x plus 1 आ गया और minus 1 उसी तरह से. ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाती है g of f of x की. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 over 2x plus 1 minus 1 और ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3 over 2x is equal to g of f of x. ये हो गया पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी पर. पार्ट सी में हमने क्या फाइंड करना था, f of
एफ ऑफ एक्स, सही है। एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स जिसके जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1, मतलब कि हमने ये फाइंड करना है एफ ऑफ 2x प्लस 1, ये हमने फाइंड करना है, सही है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, फंक्शन में 2x प्लस 1 एक्स की जगह, मतलब 2x प्लस 1 हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 × एक्स है, एक्स की जगह 2x प्लस 1 आ जाएगा, 2x प्लस 1 और साथ में प्लस 1 उसी तरह से, ठीक है। 2x प्लस 1, 2x की जगह 2x प्लस 1 और प्लस 1 उसी तरह से आ गया। तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 2 प्लस 1, जो कि बन जाएगा 4x प्लस 3, और ये रिजल्ट है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। ये पार्ट सी हो गया यहाँ पर, और पार्ट डी जो है इस क्वेश्चन का, पार्ट डी में हमने फाइंड करना है g ऑफ x, सही है। तो g ऑफ x हमें गिवन है पहले से, जो कि इक्वल है 3 ओवर x माइनस 1, सही है। तो g ऑफ x को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू होता है g ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर ये g ऑफ x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो g ऑफ 3 ओवर x माइनस 1, सही है, ये हमने फाइंड करना है। तो g ऑफ 3 ओवर x माइनस 1 कितना आया, इस g ऑफ x की वैल्यू 3 ओवर x माइनस 1 है, वो मैंने पुट कर दी, मतलब कि हमने फाइंड करना है g ऑफ 3 ओवर x माइनस 1, ठीक है। g ऑफ 3 ओवर x माइनस 1 कितना आएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 ओवर x माइनस 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाता है 3 ओवर x की जगह आ जाएगा 3 ओवर x माइनस 1 और ये वाला -1, तो ये वैल्यू बनती है g ऑफ x की। फिर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 ओवर 3, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। नीचे x-1 एलसीएम बनेगा, ये बनेगा 3 माइनस x प्लस 1, ठीक। तो ये x-1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × x-1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 3x-3 / 4 x, ठीक है। ये वैल्यू है 3x-3/4 x जो है वो वैल्यू है g ऑफ x की, जो हमने पार्ट डी में फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मैंने पार्ट वन किया है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो बाकी सब पार्ट्स भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम मेथड है। ये समझाने के लिए मैंने पार्ट 1 सॉल्व किया, तो बाकी जो पार्ट्स हैं इसके आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि फॉर द रियल वैल्यू फंक्शन है डिफाइंड बिलो, हमें फंक्शन दिए गए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स गिवन है। हमें कहा गया फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ -1, ठीक है। एक तो ए पार्ट है, उसमें हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और बी पार्ट जो है उसमें हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ -1, ठीक है। और साथ में हमने वेरीफाई भी करना है, ए भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ठीक है। और साथ में वेरीफाई भी करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हम पहले पार्ट ए करते हैं, अच्छा पार्ट ए में पहले पार्ट वन है जी, पार्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8। तो अब हमने सबसे पहले तो पार्ट ए में करते हैं, ठीक है। पार्ट ए में हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है,
अब यहां से देखें तो हम इसको कह देते हैं लेफ्ट y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस ए, ठीक है, f of x मैंने रिप्लेस कर दिया y के साथ, लेफ्ट y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस एट, ये आ गया। अब यहां से देखें तो बल्कि हम y को उस f of x के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है, एक ही बात है, लेफ्ट y इज इक्वल टू f of x हो जाएगा, सही है। तो यहां से मैं x फाइंड करना चाहूँ तो क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा f, यहां पर जाएगा राइट साइड से लेफ्ट साइड पे तो f इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, f इनवर्स ऑफ y बन गया, ठीक है, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, इसको हम इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। और साथ में देखें जिस तरह से y इज इक्वल f ऑफ x है तो y की जगह इस f ऑफ x की जगह हम y पुट कर सकते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस एट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x क्या बनेगा, y माइनस एट इज इक्वल टू माइनस टू एक्स एंड x इज इक्वल टू एट माइनस y डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, माइनस से पहले मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से, फिर टू से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया एट माइनस y डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू x, ये बन गया इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को देखें, दोनों की राइट साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, ठीक है, कंपेयरिंग वन एंड इक्वेशन टू, सही है, तो उससे हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एट माइनस वाई डिवाइडेड बाय टू। अच्छा अब यहां से देखें हमने फाइंड क्या करना था, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये क्या है एफ इनवर्स ऑफ वाई, तो y को रिप्लेस कर देते हैं x के साथ, रिप्लेसिंग y विद x, ठीक है, x के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो यही हमने फाइंड करना था f इनवर्स ऑफ x, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका b पार्ट जो है उसमें हमें कहा गया था कि आपने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ माइनस वन, तो f इनवर्स ऑफ x हमारे पास आ चुका है तो इसमें हम इनपुट देते हैं माइनस वन की, तो इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं, f इनवर्स ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू बनेगा एट माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने इनपुट माइनस वन की दे दी, तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एट प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, मतलब कि नाइन डिवाइडेड बाई टू, ये वैल्यू बनती है f इनवर्स ऑफ वन। अब जो एक और चीज़ जो हमें वेरीफाई करने के लिए कही गई थी वो हमने वेरीफाई करनी है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब कि हमें कहा था कि हमने वेरीफाई करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए एक्स के, ये हमने वेरीफाई करना है, तो ठीक है, तो इसको वेरीफाई करते हैं, पहले इसको लेते हैं f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ठीक है, तो f ऑफ x हमें गिवन है, f ऑफ x जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है माइनस टू एक्स प्लस एट, ठीक है, और f इनवर्स ऑफ x हम फाइंड कर चुके हैं, f इनवर्स ऑफ x जिसकी वैल्यू आ चुकी थी एट माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं f इनवर्स f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ठीक है, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, तो मतलब कि f ऑफ x में इनपुट जा रही है f इनवर्स ऑफ x की, ठीक है, तो f इनवर्स ऑफ x हम इसमें पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x है f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब कि ये बन सकता है f ऑफ f इनवर्स ऑफ x क्या है एट माइनस वाई डिवाइडेड टू, एट माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू इसको कह सकते हैं, ठीक है, तो f ऑफ एट माइनस वाई डिवाइडेड टू, मतलब कि x की जगह क्या आया हुआ है एट माइनस वाई डिवाइडेड टू, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 8 माइनस वाई डिवाइड बाई टू पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस टू इंटू एट माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू प्लस एट प्लस एट। अच्छा अब ये बन गया, अब इसमें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस एट प्लस एट, ठीक है, तो एट माइनस वाई ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू थी एट माइनस एक्स, ठीक है, ये एट माइनस वाई जो थी वो f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पर x की y की जगह x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा, ठीक है,
एक्स वन देगा, ये भी एक्स वन देगा। अच्छा अब एक्स माइनस एट प्लस एट, एट एट से ये कैंसिल हो गया, प्लस एट माइनस एट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट बना एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। ठीक है, तो अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं एफ ऑफ, ये तो ये आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब हम लेते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, जो कि इक्वल होगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स, हमें पता है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स हम फाइंड कर चुके थे एट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू था। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है माइनस टू एक्स प्लस एट है। सही, तो हमने फाइंड, अब ये एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है माइनस टू एक्स प्लस एट, माइनस टू एक्स प्लस एट, तो ये हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ माइनस टू एक्स प्लस एट, मतलब कि एफ इनवर्स के फंक्शन में माइनस टू एक्स प्लस एट इनपुट है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम माइनस टू एक्स प्लस एट पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी एट माइनस एक्स, एक्स की निकाल देगा माइनस टू एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाय क्या है टू। ठीक है, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स के फंक्शन में हमने क्या इनपुट दी माइनस टू एक्स प्लस एट की, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एट प्लस टू एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाय टू, बल्कि ये प्लस की जगह माइनस आएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये एट एट से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ गया टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, टू टू से कैंसिल हुआ तो इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमारे पास एक्स के इक्वल आई है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन वन कह दें, इसको इक्वेशन टू कह दें। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देख लें, तो ये एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई थी, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू भी इज इक्वल टू एक्स आई थी। ठीक है, तो और एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमारे पास एक्स के इक्वल आई है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, बाकी पार्ट भी बिल्कुल सेम है इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू के, तो वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें कहा गया विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, एफ इनवर्स फंक्शन के हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, जबकि हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स में पार्ट वन, इसके पार्ट वन में गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है। अब देखें, उसने हमें कहा है कि हमने डोमेन और रेंज एफ ऑफ एक्स की नहीं फाइंड करनी, बल्कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स की फाइंड करनी है विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, इसका इनवर्स भी नहीं फाइंड करना, हमें डायरेक्टली बताना है कि इसके इनवर्स की क्या डोमेन और रेंज होगी। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं, इस फंक्शन की क्या डोमेन और रेंज बनती है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बनेगी। डोमेन और रेंज हम पहले भी पढ़ चुके हैं 7.1.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो किस तरह से थी कि ये अनडिफाइंड या इमेजिनरी नंबर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर कब बनेगा, जब ये माइनस टू से नीचे होगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, माइनस टू अगर होगी तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो तो डिफाइंड वैल्यू बनती है। ठीक है, इमेजिनरी भी नहीं है, तो माइनस टू से नीचे अगर माइनस वन लें तो क्या होगा, माइनस वन प्लस टू प्लस वन बनता है, माइनस टू से नीचे माइनस थ्री वैल्यू बनती है। ठीक है, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन अंडर रूट माइनस वन क्या होता है, इमेजिनरी वैल्यू होती है। ठीक है, तो माइनस टू से नीचे नीचे जो वैल्यूज हैं वो इसकी डोमेन में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि उस पर इमेजिनरी बन जाता है, तो इसकी डोमेन बनती है माइनस इन्फिनिटी, बल्कि माइनस टू से बड़ी वैल्यूज जो हैं इसकी डोमेन में आती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनस टू से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, नेगेटिव साइड पे हम जाते ही नहीं। ठीक है, तो माइनस टू इंक्लूडेड होगा, इसलिए माइनस टू ब्रैकेट लगाई, क्योंकि माइनस टू पे इसकी वैल्यू जो है जीरो बन जाती है। ठीक है, वो इंक्लूडेड होगा, तो इन्फिनिटी वो इंक्लूडेड नहीं होगा, तो ये डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बन गई। सही है, और रेंज क्या बनती है इस फंक्शन की, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिए, इसकी रेंज क्या बन सकती है, अगर हम माइनस टू से इन्फिनिट तक उसमें वैल्यूज पुट करें, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी।
तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उसकी रेंज आ गई, सही है। तो आप वैल्यूज पुट करके भी देख रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक है। तो ये रेंज होगी और ये डोमेन होगी एफ ऑफ एक्स की। हमने जबकि फाइंड क्या करनी थी, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, सही है। तो आप देखें एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो डोमेन होगी ना वो इक्वल होगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है। जो इसकी डोमेन थी एफ ऑफ एक्स की वो इसकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। जो इसकी रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी। इसकी मैं रेंज लिख देता हूँ, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन गई एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, ठीक है। और जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बन गई। तो हम ये लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी रेंज क्या थी, 0 से इंफिनिटी, और इसकी रेंज क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो बराबर है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। तो -2 से इंफिनिटी ये हमारे पास आ गई विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, हमने देख लिया, ठीक है। हम फंक्शन की हम डोमेन और रेंज निकाल लेंगे, सही है। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि जो उसकी डोमेन आएगी वो उसकी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज बन जाएगी, और जो रेंज आएगी एफ ऑफ एक्स की वो डोमेन बन जाएगी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, सही है। तो यहाँ पर हमारा जो बाकी जो इसके क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप इसी तरह से डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे पहले फंक्शन की, तो उसको ऑपोजिट अगर कर दें, मतलब डोमेन को रेंज बना दें, रेंज को डोमेन बना दें, तो वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बन जाएंगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो है एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है।